हेलो वीवर्स, तो अब चल रहा है आम का मौसम बहुत ही जोरों शोर में। हर जगह आपको दिख रहा होगा आम, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आम का केक बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर भी थे, तो सोचा आपके लिए ट्यूटोरियल बना देती हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एप्स फूड पर और मैं हूँ फलक। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बनाया हुआ बेस आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये बेस मैंने बना के उसका ऊपर का टॉप जो है वो कट करके ही रखा है, और इसके बेकिंग के टाइम पे मैंने इसमें कुछ मैंगो चंक्स भी डाले थे एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और साथ ही में मैंगो इमल्शन। अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे केक बेस है, इसे मैं 2 लेयर्स में कट कर लूँगी, क्योंकि ये 1/2 kg का केक है। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच का केक बेस का जो टिन आता है वो यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं शुगर सिरप नहीं यूज़ करूँगी, इसमें एक्स्ट्रा मैंगो फ्लेवर आने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ आमरस। आमरस से यहाँ पे मैं बेस पहले सोक कर लूँगी ताकि वो सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे, और फिर उसके ऊपर मैं इस तरह से विप क्रीम लगाऊंगी। तो जो कस्टमर की बताई हुई डिज़ाइन थी उसमें मुझे वाइट कलर की ही विप क्रीम रखनी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे नॉर्मली सिर्फ विप क्रीम अच्छी नहीं लगती है, तो उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिला के इसे विप किया है। अब यहाँ पे मैं गाइडलाइन बना रही हूँ ताकि जो मैंगो के चंक्स मैं डालूंगी फिलिंग बीच में वो बाहर ना निकले। तो वो डालने के बाद मैं जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसके बाद मैं बहुत सारे आप जितने चाहे उतने मैंगो चंक्स डाल सकते हैं या फिर मैंगो कंपोट बना के भी डाल सकते हैं। और फिर मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा विप क्रीम से कवर कर दूंगी ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो, एक जगह पे इंटैक्ट रहे, और जब केक कट करके खाएंगे तभी भी वो प्रॉपर पीस के अंदर रहे। तो पहली लेयर हो गई है सेट। अब मैं दूसरा यहाँ पे जो फाइनल इसकी लेयर है वो लगा दे रही हूँ। तो नॉर्मली जो मेरे केक्स होते हैं उसमें ज़्यादा क्रीम नहीं होती है, बेस ज़्यादा होता है, तो वो खाने में ज़्यादा बेहतरीन लगता है। अब वही प्रोसीजर रिपीट करते हुए मैं ये सारा केक जो है इस विप क्रीम में कवर कर लूँगी। तो पहले तो ऐसा क्रम कोट जैसा कर दिया है, और फिर टेबल अच्छे से साफ कर लिया, और फिर फाइनली यहाँ पे बहुत सारी विप क्रीम डाल के मैं सारा इसे कवर कर लूँगी। और इस वक्त में आपको टॉप को बिल्कुल फिनिश देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मैंगो रोज़ बनाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान सिर्फ साइड्स पे देना है कि वो स्मूथ रहे और अच्छा दिखे। और यहाँ पे मैंने कॉम्बिंग इफेक्ट दे दिया है कॉम्बिंग टूल यूज़ करके, और यहाँ पे जो हमारा टर्न टेबल है उसे भी क्लीन कर लिया है। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ केक बोर्ड पे। तो बिल्कुल ध्यान से करें, अगर आपको आता है तो ही करें, वरना फिर डायरेक्टली बोर्ड पे ही पूरा केक डेकोरेट करके बोर्ड को क्लीन कर दीजिए। अब साइड में यहाँ पे जो थोड़ा बहुत गैप दिख रहा था उसे फिल करने के लिए मैंने ये डिज़ाइन बना दी है। अब हमारा आया ये शो स्टॉपर, जो कि एक्चुअल में दिखने वाला है, अंदर वाला तो चलिए चंक्स है अंदर है, खाने के बाद में पता चलेगा। अब जो भी इस केक की ब्यूटी होने वाली है इसी आम से होने वाली है। तो मैंने आम की इतनी पतली पतली स्लाइसेस कट करके रखी है, बिल्कुल पतली पतली कट करना है आपको, लंबाई में कट करना है उसे, ऐसा हॉरिजॉन्टली कट मत करिए, वर्टिकली ही हमेशा कट करिए पतली पतली स्लाइसेस। और फिर आप इसे शुरू करेंगे रखना साइड से, कभी भी सेंटर से मत शुरू करिए, आपको इस तरह से साइड से पहले सिक्योर करना होता है सारा एजेस, और फिर इसी के ऊपर सपोर्ट लेते हुए आपकी सारी बाकी जो आम की लेयर्स होगी वो आते आते पूरा अंदर सेंटर में जाएगी, और फिर एक बीच में आपको एक छोटा सा पीस रखना पड़ेगा, और ये फिर प्रॉपर आपको जो है ना रोज़ का लुक देगा। तो इसका लॉजिक यही है कि आपको शुरू जो है आउटर साइड से करना है और धीरे धीरे इसी तरह अंदर साइड में आना है। तो आप ये वाला स्टेप कितना ब्यूटीफुली करते हैं उसका डिपेंड करता है रिजल्ट आपको जो लास्ट में मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से ये एक एक करके पतली पतली लेयर्स रख रही हूँ। अगर आपने इसमें मोटी लेयर्स रखी ना तो वो इस तरह से टर्न नहीं होगी, मतलब जैसे कि कितना इजीली ट्विस्ट हो रही है, फोल्डेबल है, तो इसके लिए पतली स्लाइसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैं यहाँ पे सेंटर में पहुँच चुकी हूँ इसी तरह से। और एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि जो अंदर साइड में आप जब आते जा रहे हैं तब आपकी स्लाइसेस जो है पतली और छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो वो प्रॉपर फोल्ड नहीं होगी। तो साइड्स में आपको ध्यान रखना है आउटर साइड में कि बड़ी स्लाइसेस हो, और अंदर साइड में छोटी छोटी स्लाइसेस होती जाए ताकि वो इजीली सेट हो सके रोज़ की तरह। और इसे थोड़ा और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैं बारीक वाली एडिबल पर्ल्स और फाइनल टच देने के लिए ये बड़ी वाली एडिबल पर्ल्स डाल रही हूँ, और सेंटर में रख देंगे एक छोटा सा मिंट लीफ। ये हो गया हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट सा मैंगो रोज़ केक रेडी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जिस तरह से मैंने यहाँ पे रोज़ के पेटल सेट वो तरीका पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।